आजकल गाजीपुर के बीजेपी एमएलसी विशाल सिंह चंचल और उनके बीजेपी समर्थित ब्लॉक प्रमुखों के बीच सब कुछ ठीक न होने की खबर सोशल मीडिया के चंद पोर्टलों पर चटकारे लेकर चलाई जा रही है, जिसमें रविवार को गाजीपुर के एमएलसी खेमे के मनिहारी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जोगेंद्र सिंह मीडिया के सामने आए और कहा कि सोशल मीडिया पर आज से दो दिन पहले दिखाया जा रहा था कि हमारे मनिहारी ब्लॉक के कुछ कर्मचारियों के साथ लफड़ा हो गया है और उस मामले को एमएलसी विशाल सिंह चंचल से जोड़कर दिखाया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि योगेंद्र सिंह और एमएलसी विशाल सिंह के बीच कोई दुश्मनी हो गई हो, जो कि सर्वथा गलत और भ्रामक है। उन्होंने इस दौरान बताया कि मनिहारी ब्लॉक पर कर्मचारियों द्वारा लापरवाही सामने आई होगी, जिसका डीएम गाजीपुर ने संज्ञान लेकर बीडीओ समेत अन्य कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया, लेकिन तबादले के मामले में बीजेपी एमएलसी विशाल सिंह चंचल और मनिहारी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के बीच सोशल मीडिया पर विवाद दिखाए जा रहे हैं, जो गलत है। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि सस्ती पत्रकारिता कर सुर्खियां बटोरने की कोशिश ना की जाए। बीजेपी एमएलसी विशाल सिंह चंचल और मेरे बीच ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि 4 माह पहले उनके चुनाव में हमने और हमारे समर्थकों ने वोट भी किया था और उनको सपोर्ट भी किया था। इसमें विवाद कहां से आ सकता है? हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो लोग सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर चलाकर मेरी छवि, मेरे राजनीतिक करियर को बदनाम करना चाहते हैं। इस दौरान सोशल मीडिया पर चल रहे एमएलसी विशाल सिंह चंचल और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि योगेंद्र सिंह के बीच विवाद को खारिज करते हुए योगेंद्र सिंह ने कहा कि एमएलसी भी बीजेपी के हैं और हम भी बीजेपी के हैं, एक ही फोरम पर दोनों लोगों की बैठक भी होती है, ऐसे में हम दोनों लोग के बीच भी बात कहां से आ सकता है। निश्चित तौर से विद्वेष बस इस तरह के भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं और हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि ऐसे भ्रामक खबरों को ना चलाएं, अन्यथा हम मजबूर होंगे उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। आपको बताते चलें कि एमएलसी विशाल सिंह चंचल की जीत में 16 ब्लॉक प्रमुखों में से मनिहारी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जोगेंद्र सिंह के साथ दर्जन भर ब्लॉक प्रमुखों ने विशाल सिंह चंचल के साथ खुलेआम एकजुट होकर उनका साथ दिया था और अब ऐसे में एमएलसी संघ विद्वेष की खबर चलाए जाने पर जोगेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर चलाई जा रही खबरों को भ्रामक बताते हुए छवि धूमिल करने का प्रयास बताया है। योगेंद्र कुमार सिंह, मनियारी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि। सोशल मीडिया पे आज से दो दिन पहले एक दिखाया जा रहा था कि हमारे ब्लॉक में कुछ कर्मचारियों के बीच में लफड़ा हो गया था। अब उसको लेके दिखाया जा रहा है कि चंचल बना में योगेंद्र, और उसमें कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे दिखाया गया जिससे कि लगता है कि हम लोगों की आपस में कोई दुश्मनी चल रही है। जैसे विकेट गिरा, लिखा उन्होंने कि विकेट गिरा, कर्मचारी आपस में कोई विवाद हुआ रहा होगा, जिसमें अपने जिलाधिकारी महोदय ने इसको संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद उन्होंने उस पर कार्रवाई किया, नहीं लिया तो उसमें से कहाँ ये हो सकता है कि नहीं विकेट गिरा, फलाना हुआ, चंचल का नाम आना, ये हमको लगता है गलत काम है, ये अच्छा नहीं है। एक दूसरे को बदनाम करना, हमारे और उनके बीच में ऐसा कोई विवाद नहीं है कि संबंध को दुराव में ले आया जा। अभी 4 महीने पहले हम लोगों ने उनका प्रचार प्रसार किया, हम लोगों ने वोट भी दिया, इस तरह का कोई हमारे और उनके बीच में विवाद भी नहीं चल रहा है कि जिस इस तरह का हो कि वो मेरे ब्लॉक पे आके विकेट गिराएं। विकेट का क्या मतलब होता है? डीएम खुद अपने कर्मचारी बवाल किए तो उसमें प्रधान संघ भी आ गया, प्रधान संघ भी उसमें हमें धरना प्रदर्शन कर्मचारी काम बंद किए तो प्रधान संघ आ गया, प्रधान संघ जब आया तो कर्मचारियों का विवाद थोड़ा सा ऊपर पहुँचा तो जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान में लेते हुए वीडियो से पूछा कि जब तुम अपने ब्लॉक को सही तरीके से नहीं चलाते तो तुम्हारी सिगरेटी बात नहीं कर सकते हैं तो तुमको अटैच हम करते हैं, और जितने लोग उसमें विवाद में ना आए उनको कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दिया। अब हमारे तो समझ में नहीं आता है, लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हों कि विवाद को बढ़ाना चाहते हों, इसमें अलग नाम जोड़ के एक दूसरे को उसमें नाम जोड़ना, दूसरे को बदनाम करना, ये तरीका सही नहीं है। कोई सोशल मीडिया में इस तरह का काम करना है तो काम करना बंद कर दे। नहीं नहीं, एमएलसी हमारे पार्टी के ब्लॉक वो एमएलसी हैं, हम भी उसी पार्टी में, हम प्रमुख प्रमुख प्रतिनिधि हैं, हम लोग पार्टी से जुटे हुए हैं, वो पार्टी के नेता हैं, तो हमारे और उनके बीच में मतभेद क्या हो सकता है? एक ही फोरम पे बैठना, एक ही पार्टी में बैठना, एक ही जगह काम करना। अभी 4 महीने पहले हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया तो अब ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि नहीं हम लोगों में ऐसा विवाद चल रहा है? कैसे पता चल गया कि सोशल मीडिया को हमारा विवाद चल रहा है? कोई ना कोई ऐसा आदमी लगा है मीडिया में कि जो विद्वेष बस ऐसा काम कर रहा है, हमारी छवि को खराब करना चाहता है, राजनीतिक छवि खराब करना चाहता है, उसको कहीं ना कहीं से जलन है।
नहीं, हम तो यही कहेंगे कि जो भी इसके पीछे लगा हुआ, हम रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा बदनाम करने का प्रयास न किया जाए, सच्चाई उसको सामने लाएं। गलत तरीके का अगर किसी के बहकावे में आकर इस तरह का काम कर रहे हैं लोग, तो ये बंद कर दें। ये अगर ज़रूरत पड़ी तो जो IT सेल होता है इस पर अगर सोशल मीडिया के खिलाफ हम कंप्लेन भी करेंगे, इस तरह का मेरे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। चूँकि मैं इस समय ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हूँ, वहाँ का क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ उस ब्लॉक का, और प्रमुख संघ का संरक्षक भी हूँ, पहले प्रमुख संघ का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, मेरे मान सम्मान का